दिल्ली बॉर्डर पर शनिवार दिन भर लोगों की भीड़ रही। ऐसे में सवाल उठे कि लॉकडाउन की खुलेआम धजिया उड़ने के पीछे किसका हाथ रहा। बिहार सरकार के मंत्रियों ने दिल्ली सरकार को इसके लिए दोषी बता दिया। लॉकडाउन के बाद बनी स्थिति को लेकर राजनीति और जुबानी जंग भी तेज हो रही है। बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह ने दिल्ली से पूर्वांचल वासियों के पलायन के लिए दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए हैं। वहीं बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने पलायन को लॉकडाउन को फेल करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा, सवाल ये है कि क्या बिहार और उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल वासियों का उपयोग अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ वोट के लिए किया। जब संकट की घड़ी आई तो पराई हो गई दिल्ली सरकार। वहीं बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि अगर दिल्ली नहीं बचेगी तो झूठ कहां बेचोगे। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इसे दिल्ली सरकार की साजिश करार दिया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि नीतीश सरकार ने लॉकडाउन के पहले ही दिन सभी के लिए पूरी व्यवस्था कर दी थी। बिहार सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए थे। संजय झा ने यह भी बताया कि उन्हें लोगों ने फोन कर बताया कि दिल्ली में उनके घर के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए और उनसे कहा गया कि लॉकडाउन 3 महीने तक रहेगा। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने कहा कि पूरे प्लान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए लॉकडाउन को फेल करने की साजिश रची गई है। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने बताया कि नीतीश सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि पलायन पर लौट रहे लोगों के लिए सीमा पर ही टेंट लगाया जाएगा। वहां पहुंचने वाले लोगों के खाने पीने की व्यवस्था के साथ उनके स्वास्थ्य की जांच भी बिहार सरकार अपने खर्च पर करेगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए अगर और भी राशि की जरूरत होगी तो बिहार सरकार पीछे नहीं हटेगी और सीमावर्ती इलाकों में बनने वाले टेंट में लोगों को 14 दिन तक रखा जाएगा। उसके बाद उनके स्वास्थ्य की जांच कर ही उन्हें घर भेजा जाएगा। जल संसाधन मंत्री ने यह भी बताया कि संबंधित राज्य के नोडल अफसर वहां की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। इसका पूरा खर्च बिहार सरकार उठाएगी। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी 1.5 करोड़ रुपए की मदद करने का ऐलान किया है, लेकिन उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। गंभीर ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को औरों पे आरोप लगाने के लिए चुना है क्या? स्थिति में भी सारी जवाबदेही पीएम और बाकी राज्यों के सीएम पे डाल दी। 500 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट बजट में 2 लाख लोगों का खाना आ जाएगा। अगर दिल्ली ही नहीं रहेगी तो कहां बेचोगे अपने झूठ को। शनिवार की सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर जो पलायन का नजारा दिख रहा था, देर रात तक आनंद विहार स्टेशन और दिल्ली की सीमा से लगे गाजियाबाद बस स्टैंड पर हजारों लोगों की भयानक तस्वीर बन गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग की न सिर्फ धज्जियां उड़ रही थी बल्कि भीड़ की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। इस भीड़ को देखकर देश भर में हड़कंप मच गया था, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोरोना का एक भी मरीज भीड़ में रहा होगा तो स्थिति कैसी हो सकती है। उधर आप पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने इस हालात के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दोषी बताते हुए ट्वीट किया था। बाद में उन्होंने अपना ट्वीट हटा लिया, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली। हम आपको बता दें कि शनिवार की तस्वीर देखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चिंता जाहिर की थी।